रात को एक बड़ा अजीबो अमीर वाक्या हुआ। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, मैं घर से निकला, चार पांच गलियां छोड़ के आगे एटीएम मशीन थी। मैं एटीएम मशीन की जो जगह है वहां दाखिल हुआ, मैंने कार्ड डाला, पैसे निकलने लगे थे तो मशीन ने मुझसे पूछा कि बकाया रकम की पर्ची चाहते हो। अचानक मेरी बाहर नजर पड़ी तो एक शख्स शीशे से बाहर मुझे यूं देखता हुआ नजर आया। डर गया जनाब, आप सब ये बातें बार बार दोहराते रहते हैं कि मुल्क के हालात बड़े खराब हैं, कोई लूट लेगा, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं जनाब, मैंने अपनी उंगली को ना के बटन पे मुक्का समझ के मारा, पैसे जेब में डाले, गाड़ी में बैठा, खौफ मेरे पीछे पीछे में आगे आगे, मैंने गाड़ी भगाना शुरू की, जिस्म मेरा कांपने लगा, हाथ पैर फूल गए, गियर लगाने के लिए जान खत्म हो गई जनाब मेरे हाथ से दूर, सारा हाथ गियर गियर लगाने लगा, गाड़ी इस तरफ जाने लगी। अब मैं फुल डर रहा हूँ, वो बंदा मेरे पीछे पीछे, मैं आगे आगे, वो पीछे पीछे। पहुंचा जब घर के बाहर तो मैं जब घर के अंदर भागने लगा तो आवाज आई, रुको हूं भाई, मैनू लगया मैं ते लुटी गई। मैं बहुत बहुत जनाब बहुत ज्यादा डरा हुआ था, बिल्कुल उतना ही जितना आप लोग डरे रहते हैं। जानते हैं मेरे साथ क्या हुआ कल रात? यार क्यों इतना नेगेटिव सोचते हो, कुछ नहीं हुआ यार, मेरे मुल्क के हालात इतने खराब नहीं है, इतना मसला नहीं है, हर वक्त कोई लुटता नहीं है, हर वक्त किसी के साथ कोई ना कोई वाकया नहीं होता, हर न्यूज ब्रेकिंग न्यूज नहीं होती।